पब्लिक को दिखा, पूरा देश दुनिया को दिखा। 10 लड़का फेल, 10 लड़का फेल हुआ है यहाँ से, 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चलाओ, लाइव पूरा प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है, प्रैक्टिकल के चलते। ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल, जिंदगी का खिलवाड़ हुआ है। हाँ, भुगतना होगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो हुई बीती दिनों की बात, अब देखिए नए दौर की नई पीढ़ी। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये वीडियो है झारखंड के, जहां पर छात्रों ने अपने ही गुरुओं को जमकर गुरु दक्षिणा बांटी। लेकिन ये बात अलग है कि गुरु दक्षिणा गुरुओं को भले ही पसंद नहीं आई होगी। दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 26 अगस्त को 19वीं की रिजल्ट जारी की, जिसमें अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय गोपी कंधार के 11 छात्र फेल हो गए, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने ग्रुप बनाकर स्कूल के शिक्षक कुमार कुमार सुमन और कलक सोनीराम चौने के पास पहुंच गए और प्रैक्टिकल एग्जाम में दिए गए नंबर पूछने लगे। तमाम कोशिशों के बाद भी छात्रों को पेपर देखने को नहीं मिला, जिसके बाद छात्र बेकाबू हो गए और थक्का मुक्की पर उतारू हो गए। उस वक्त मौके पर स्कूल का चपरासी अंचुतु मालिक भी मौजूद था, जिसे भी छात्रों ने नहीं छोड़ा और तीनों को स्कूल में मौजूद एक पेड़ पर बांधकर जमकर पीटा। हद तो तब हो गई जब छात्रों ने पिटाई की वीडियो को फेसबुक पर लाइव कर दिया। छात्रों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर एग्जाम में कम नंबर दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। फिलहाल इस बात की जाँच हो रही है कि क्या सही में प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए जाने की वजह से छात्र फेल हुए हैं या फिर वजह कुछ और है। फिलहाल वजह जो भी हो, लेकिन शिक्षक को इस तरह से पेड़ बांधकर नहीं पीटना चाहिए था। किसी तरह से भी ये जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई शक था भी तो एक प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इन कलयुगी छात्रों को किताबी ज्ञान लेने से ज्यादा जरूरी सामाजिक ज्ञान लेना जरूरी है, ताकि इन्हें गुरु शिष्य के बीच की मर्यादा का अंदाजा रहे। इतना ही नहीं, इन्हें एक ऐसे सबक की भी जरूरत है जिससे ये अपनी हदों का ध्यान रखें। शिक्षक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।